अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे और हैरियत से होंगे। अभी है सुबह का टाइम और सुबह सुबह मैं जा रही हूँ आज सिटी सेंटर, यानी कि बर्मिंघम सिटी सेंटर, टाउन भी इसे कहा जाता है, क्योंकि यहाँ मुझे एक दो काम थे जो बहुत ज़रूरी हैं और निपटाने भी इसी महीने थे मुझे, तो मैंने सोचा कि आज ये काम कर लूँ क्योंकि वेदर भी अच्छा है, ना बहुत गर्मी है ना बहुत सर्दी, और वैसे भी एक दो काम के बाद थोड़ी सी मुझे शॉपिंग भी जाना था। और आज अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी सारे काम यहाँ पर मैंने मुकम्मल भी कर लिए थे। और ये है बर्मिंघम सिटी सेंटर का सेंट्रल कार पार्क जो बुल्डिंग में है, और यहाँ पर मुझे एक क्वेश्चन भी था। जब मैंने पिछली दफ़ा सेंट्रल कार पार्क में गाड़ी पार्क की थी तो एक भाई ने मुझे पाकिस्तान से क्वेश्चन किया था कि ये जो बैरियर है ये किस तरह से ऊपर जाता है। तो जब हम एंटर होते हैं तो राइट हैंड साइड पे आपने एक येलो कलर का जो बॉक्स देखा है उसमें एक बटन होता है, उसे प्रेस करते हैं, उससे टिकट बाहर आता है और बैरियर ऊपर हो जाता है, और टिकट हमें अपने पास रखना पड़ता है। जब हम निकलेंगे तो उस टिकट से हम पैसे पे करेंगे। मैं आपको आगे चल के दिखाऊँगी भी कि मैं किस तरह से पेमेंट करूँगी, और पेमेंट के बाद फिर हम आराम से निकल सकते हैं। लेकिन पहले जब हम इसको बटन को प्रेस करते थे तो पहले टिकट बाहर आ जाया करती थी, लेकिन अभी वो गाड़ी की रजिस्ट्रेशन को पूरी तरह से स्कैन करते हैं, फिर उसके बाद टिकट बाहर आता है। और जब हम निकलने वाले होते हैं तो हमें टिकट को दोबारा एंटर करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ऑटोमेटिकली ही वो बैरियर ऊपर होता है और हम बाहर आ सकते हैं। और ये सिस्टम अभी इन्होंने न्यू इसलिए स्टार्ट किया है क्योंकि बर्मिंघम सिटी सेंटर में अभी पुरानी गाड़ियां जाना अलाउड नहीं है विदाउट पेमेंट, क्योंकि जो भी गाड़ियां 2006 से पहले की गाड़ियां हैं उनकी कुछ पेमेंट वगैरह करनी पड़ती है, और फिर उन गाड़ियों को हम टाउन में लेके जा सकते हैं, वहाँ पर पार्किंग में भी पार्क कर सकते हैं। लेकिन अगर हमारी गाड़ी 2006 के बाद की है पेट्रोल कार, तो उसके लिए हमें कुछ भी पेमेंट नहीं करना पड़ती है। तो इस तरह कुछ इन्होंने रूल्स वगैरह चेंज किए हैं, इसलिए जितनी भी सिटी सेंटर में जो पार्किंग्स हैं उसमें इन्होंने रेड स्कैनर लगा दिए हैं, जिससे हमारी कार का रजिस्ट्रेशन नंबर स्कैन होता है, फिर उसके बाद ही हमारी गाड़ी अंदर जा सकती है। और अगर हमने पेमेंट नहीं की होती तो उसका आई थिंक कोई लेटर वगैरह आ जाता है या कुछ इस तरह, मुझे सही से पता नहीं है क्योंकि मेरे पास नई गाड़ी है और मुझे अलाउ करते हैं अंदर जाने के लिए। और डीजल गाड़ी के बारे में मैं सही तरह से श्योर नहीं हूँ क्योंकि मेरी गाड़ी पेट्रोल कार है, इसलिए मुझे ज़्यादा पता है, मगर जहाँ तक मेरी इंफॉर्मेशन है डीजल कार्स मेरे ख्याल में 2015 के बाद वाली जा सकती हैं, 2015 से पहले नहीं जा सकती, उनके लिए भी कोई पेमेंट वगैरह का कोई सिस्टम है, लेकिन मुझे इतना अच्छे से नहीं पता। लेकिन पेट्रोल वाली का मैं श्योर हूँ कि 2006 से जो पहले गाड़ियाँ हैं, यानी 2005, 4, 3, 2, 1 वाली, वो वाली जितनी भी पुरानी गाड़ियाँ उनको कुछ पेमेंट करना पड़ती हैं 100 something pound, फिर उसके बाद वो परमिशन उनकी रजिस्ट्रेशन नंबर पे रजिस्टर की जाती है और वो जा सकती हैं। और अभी आती हूँ अपने व्लॉग की तरफ। तो इस वक्त हूँ मैं द टाइगर शॉप में, जो कि है बर्मिंघम ग्रैंड सेंट्रल में। यहीं पर ही मुझे बहुत ज़रूरी काम था अपने बैंक में, और मेरी जो मेन बैंक ब्रांच है वो यहीं ग्रैंड सेंट्रल में है। तो मैंने अपना पहले बैंक का काम मुकम्मल किया, फिर उसके बाद अभी मैं आ चुकी हूँ यहाँ क्योंकि मेरी बेटी को एक दो चीज़ें चाहिए थी। वो आर्ट वगैरह करती हैं तो उनको फाइन लाइन ब्रशेस वगैरह चाहिए थे, तो वो सबसे ज़्यादा अच्छे यहीं पर ही मिलते हैं, और इसके बाद मिलते हैं WH Smith से। तो उस दिन मैं WH Smith गई थी, वहाँ पर स्टॉक नहीं था उनके पास, तो मैंने सोचा मैं यहीं से पता कर लेती हूँ। तो उनका जो मैंने सामान लिया है वो मैं कोशिश करूँगी कि मैं घर जाके आपको दिखा सकूँ, क्योंकि बच्चों का सामान है और बच्चे आप जानते ही हैं, चाहे छोटे हों या बड़े, वो फटाफट से अपनी चीज़ों को ओपन करके देखने की उनको आदत होती है, तो मैं पूरी कोशिश करती हूँ आपको दिखाने के लिए। लेकिन जो मैं लेके आई हूँ यहाँ से, सिर्फ एक ही चीज़ मैंने बाय की थी और वो है सिट्रस जूस मेकर। कभी कभार लेमन जूस बनाना पड़ता है तो मेरे लिए बहुत मुश्किल होता है, मेरे हाथों की जो स्किन है वो बहुत सेंसिटिव है, तो कोई भी चीज़ लगे मेरे हाथों में क्रैक्स हो जाते हैं या ब्लड आने लगता है, तो उसके लिए मैंने यहाँ से ये जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, ये वाला मैंने सिट्रस जूस मेकर लिया है। ये काफ़ी यूज़फुल रहा है, मैंने इस्तेमाल करके देखा है, कांच का बना है और बहुत हैवी भी है, और ये 1 pound में मुझे मिला है, जो कि यूजली यहाँ से इतना सस्ता नहीं मिलता है, ये काफ़ी एक्सपेंसिव होता है। और अभी वहाँ से शॉपिंग के बाद मैं आ चुकी हूँ यहाँ प्राइममार्क, और प्राइममार्क से मुझे चाहिए थी सॉक्स, और यहाँ से ही मैं हमेशा अपने लिए सॉक्स लेती हूँ क्योंकि जितनी बार भी वॉश करें वो सॉक्स इतनी जल्दी ख़राब नहीं होती हैं, ग्रिप भी ठीक रहती है और इनके ऊपर बबल्स वगैरह भी नहीं आते हैं, और इनकी प्राइस भी बहुत गुड होती है। और यहाँ पर काफ़ी सारी ऐसी सिस्टर्स होंगी शायद मेरे साथ वो अग्री करें कि जब यहाँ गर्मी होती है तब भी हमें सुबह के वक्त या शाम के वक्त कई बार सॉक्स वगैरह पहनने की ज़रूरत पड़ती है,
मैं जब सुबह नमाज के लिए उठती हूँ तो वज़ू के बाद मैं ज़रूर सॉक्स पहनती हूँ, क्योंकि मुझे बहुत सर्दी लगती है सुबह, चाहे वो गर्मियाँ भी हों तब भी मैं ज़रूर पहनती हूँ। तो मुझे समर सॉक्स चाहिए थी, तो वो मैंने यहाँ से ले ली, वो मैं आपको घर जा के दिखाती हूँ। तो बस अभी मैं और मेरे हस्बैंड हम हल्की हल्की सी वॉक के साथ अभी घर की तरफ रवाना हो रहे थे, तो यहाँ मैंने सोचा कि मैं आपको बोल्डरिंग, जो पुरानी बोल्डरिंग बिल्डिंग थी, वो भी दिखा देती हूँ। पहले ये बोल्डरिंग हुआ करती थी, और ये जो दूसरी जिसमें मैं अभी एंटर हो रही हूँ, ये बाद में बोल्डरिंग बनी थी। मुझे साल तो याद नहीं है, लेकिन अभी ये नई ही बनी है, इतना ज़्यादा पुराना अरसा नहीं हुआ है। यहाँ आकर वीडियो बनाना थोड़ा सा मुश्किल इसलिए होता है क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं। वैसे तो यहाँ लोग इतनी जल्दी एतराज़ नहीं करते, लेकिन मुझे खुद को बहुत बुरा लगता है अगर कोई मेरी वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पे लगाए। तो इसलिए मेरी ज़्यादातर कोशिश यही होती है कि लोगों के चेहरे या लोग बीच में ना आए। तो यहाँ पर बहुत क्राउडेड था, इसलिए ज़्यादातर आपको मेरा कैमरा नीचे की तरफ ही दिखाई देगा। थोड़ा अच्छा नहीं लगता है, हर किसी की प्राइवेसी होती है, और मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता कि मैं लोगों के चेहरे ज़्यादातर अपनी वीडियो में लेके आऊँ। अभी हम आ चुके हैं कार पार्क की तरफ, तो यहाँ पर बस कार्ड पेमेंट से मेरे हस्बैंड पे कर लेंगे। और ये आप देख सकते हैं, मैं आखिर में आपको थोड़ी सी इसकी प्राइसेस भी बता देती हूँ कि यहाँ टिकट और कितने आवर्स तक कितनी प्राइसेस हैं। तो काफ़ी ज़्यादा चार्जेस हैं यहाँ पर, हमने थोड़ी देर के लिए खड़ी की थी और इतना आप देख सकते हैं स्क्रीन पर प्राइस क्या आई थी। तो बस अभी हम यहाँ से घर की तरफ रवाना हो रहे हैं, और हो चुका है तकरीबन लंच टाइम। लंच टाइम हो गया था, तो हमने बच्चों का लंच तो घर में बनाकर उनके लिए रख दिया था, और मेरे हस्बैंड और मैंने, हमने मेडिसिन लेनी थी तो उसकी वजह से लेट ना हो जाए, तो हमने बाहर से ही लंच ले लिया। और हम यहाँ गाड़ी में ही बैठकर लंच कर रहे थे, और फिर हमने इसके बाद मेडिसिन ली, एक तो और काम थे वो मुकम्मल किए, और वो काम करने करते करते हमें तकरीबन 4 बजे का टाइम हो गया था, और अभी हम एंटर हुए हैं घर के अंदर। घर आकर हम दोनों फ्रेश हुए, फ्रेश होने के बाद हमने एक एक ग्लास जूस लिया, और अभी मैं आ चुकी हूँ यहाँ। मैंने सोचा मैं शॉपिंग हॉल आपसे शेयर कर लूँ। तो ये मैंने शॉर्ट स्लीव वेस्ट ली थी अपने हस्बैंड के लिए, और ये पैक ऑफ 3 है, काफ़ी गुड प्राइस में मिला है। अभी जो चीज़ों की महंगाई चल रही है, इस प्राइस में मिलना बहुत मुश्किल है अब। वैसे ज़्यादातर मैं मेटल लैंड से लेती हूँ, लेकिन आज मैंने यहाँ से ले ली है। मैं देखती हूँ कि अगर इसका मटेरियल अच्छा हुआ तो मैं और ले लूँगी, क्योंकि गर्मी के दिनों में ये वाइट वेस्ट मेरे हस्बैंड बहुत ज़्यादा पहनते हैं, तो जितनी भी हों मुझे उतनी ही कम लगती हैं, क्योंकि वो सुबह के वक्त और फिर शाम के वक्त और पहनते हैं, दो दो दफ़ा वो शावर लेते हैं तो हर बार वो चेंज करते हैं। तो इसलिए फिर ये ज़्यादातर मैं घर में ज़्यादा ही रखती हूँ। और ये देखिए, यहाँ पर मैंने जो चीज़ें लाई हैं, ये नेल ब्रश लेके आई हूँ, और ये सॉक्स जो मैंने घर में पहनने के लिए ली थी, और उसके अलावा ये मुझे नेल पेंट बहुत अच्छा लगा था, ये कलर मेरे पास नहीं था तो ये मैंने ले लिया। और प्राइमार्क से बस यही शॉपिंग थी, इससे ज़्यादा नहीं थी। और मेरी बेटी की जो शॉपिंग है, वो उन्होंने आते साथ सारी उसकी कवरेज वगैरह ओपन कर दी थी, यानी कि उसको जितने भी पैकेट्स थे वो सारे निकाल के फेंक दिए थे, तो उनकी शॉपिंग मैं इसलिए नहीं दिखा पाई हूँ। और यहाँ पर अभी मैं तैयारी कर रही हूँ रात के खाने की। आज पूरा दिन बाहर ही थी तकरीबन, और मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी, तो मैंने सोचा मैं सिंपल सा कुछ बना देती हूँ। और वैसे भी पूरी फैमिली सिंपल ही खाएंगे, क्योंकि बच्चों ने दिन को पिज़्ज़ा वगैरह खाया था, हमने भी बाहर का खाना खाया था, तो काफ़ी ज़्यादा वो हैवी था, तो इसलिए मैं ये सिंपल से चाइनीज़ स्टर फ्राई नूडल्स बनाऊँगी। तो ये मैं कैसे बनाती हूँ, इसकी फुल रेसिपी आज मैं आपसे ज़रूर शेयर करूँगी। मैंने यहाँ पर एक पैकेट जिसमें 2 पोर्शंस मौजूद होते हैं स्टिर फ्राई नूडल्स के, ये लिए हैं, और इनको मैंने हॉट वाटर के अंदर, हॉट बॉइलिंग वाटर के अंदर डाल के एक साइड पे रख दिया है। सारी वेजिटेबल्स जो मेरे घर पर मौजूद थी, उन सबको मैंने इस तरह से डाइसेस में चॉप कर लिया है, ऑनियन, उसके बाद टमाटोज़, स्प्रिंग ऑनियन, और जो अगर आपके पास पेपर वगैरह फ्रेश हैं तो आप वो भी डाइसेस में चॉप कीजिए, वो ज़्यादा अच्छी लगेंगी। मेरे पास फ्रेश मौजूद नहीं थी, तो मैं फ्रोज़न ही इस्तेमाल कर लूँगी, और फ्रोज़न मैंने काट के फ्रीज़ की होती हैं, तो जिस शेप में थी मैं वैसे ही इस्तेमाल कर लूँगी। इसके अलावा मेरे घर पर बना हुआ मौजूद था चिकन टिक्का, और उसका एक पैकेट मैंने निकाल लिया था। मैं बनाकर हमेशा फ्रीज़ कर देती हूँ, जब मुझे ज़रूरत पड़ती है तो मैं इस तरह से निकाल लेती हूँ। साथ मैंने एक स्वीट कॉर्न का टिन ले लिया है, और पास्ता सॉस।
तकरीबन 1 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल मैंने लिया है, आप कोई सा भी ऑयल इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर सनफ्लावर ऑयल लिया है और उसमें सारी की सारी कटी हुई वेजिटेबल्स ऐड कर दी हैं। थोड़ा सा मैंने इनको स्टिर फ्राई किया है। इसके बाद मैंने इसमें हसबे ज़रूरत सोल्ट ऐड किया है और सोल्ट ऐड करने के बाद जो मेरे पास टिक्का पड़ा था उसको मैंने थोड़ा सा डीप रोस्ट किया था, छोटे छोटे पीसेस करके काटे हैं और उसे भी ऐड किया है। साथ ही स्वीट कॉर्न्स ऐड कर दिए हैं। स्वीट कॉर्न्स ऐड करने के बाद मिक्स किया है और मिक्स करने के बाद मैंने थोड़ा सा पास्ता सॉस इसमें ऐड कर दिया है, तकरीबन 3 से 4 टेबलस्पून। और पास्ता सॉस ऐड करने के बाद ये नूडल्स अभी बिल्कुल रेडी हैं। इनसे पानी निकाल के मैंने इस तरह से इन्हें मिक्स कर लिया है और देखिए ये हमारे मज़ेदार से चाइनीज़ स्टर फ्राई नूडल्स रेडी हो चुके हैं। जब आप सर्व करें तो इसके ऊपर थोड़ी सी चीज़ आप ग्रेट करके ऐड कर दें तो बच्चे और भी ज़्यादा शौक से खाते हैं ऐसी चीज़ें। गर्मी के दिनों में ऐसा फूड बहुत अच्छा लगता है और हल्का भी रहता है, नुकसानदेह भी नहीं होता है, ज़्यादा मसालेदार भी नहीं है। आपने नोटिस किया होगा इसमें बिल्कुल मैंने कोई ज़्यादा सोल्ट, चिली या मसाले ऐड नहीं किए हैं। आप लोग ये ज़रूर बनाइएगा, ट्राई कीजिएगा, अपने बच्चों को बनाकर दीजिएगा। मैं यकीन से कह सकती हूँ कि उन्हें बहुत अच्छे लगेंगे। और आज का व्लॉग भी मेरा यहीं तक था। आई होप आप सबको आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। मैं बहुत जल्द मिलती हूँ किसी नए व्लॉग के साथ, तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। आप सब लोग अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और अपनों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।